वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से एरर दिखाई देता है आपके फ्लिपकार्ट पर, एपीआई एरर हैड एक्यूरेट, बेसिकली एरर क्या है, ये क्यों देखने के लिए हमें मिलता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, बेसिकली जो ये एरर है ये ट्रैफिक की वजह से आता है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एकदम आपके अकाउंट पर आ जाता है, यानी कि फ्लिपकार्ट पर आ जाता है, तो उस सिचुएशन में ये एरर दिखा देता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर या तो वेट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जब किसी प्रोडक्ट को आप बाय करेंगे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो उस सिचुएशन में डिमांड के हिसाब से उस पर एरर दिखा सकता है ये। बट मेरा यहाँ पर सजेशन यही रहेगा कि आप अगर एक दो दफ़े ये दिखाए तो आप क्लिक ही करते रहिएगा। किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उस पर क्लिक करते रहिएगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाएगा। और नहीं जाता है तो आप एक काम करिए, अपने फ़ोन को बंद करके खोल लीजिए, ठीक है, वो फिर फ्लिपकार्ट को चलाइए, तो रन करता है तो अच्छी बात है, और नहीं करता है तो सिचुएशन में आप प्ले स्टोर पर जाइए और फ्लिपकार्ट को सर्च करिए। अगर इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लीजिएगा, एंड तब भी आपको अपडेट नहीं शो कर रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मतलब आप फिर भी सोल्यूशन नहीं हो रहा या अपडेट ही शो नहीं हो रहा, तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप अनइंस्टॉल मार दीजिए एंड दोबारा इसको इंस्टॉल करिए एंड फिर लॉगिन करिए और फिर प्रोसेस करिए, तो वो इजीली प्रोसेस हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।